टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को काफ़ी ईजी कर दिया है। ये टेक्नोलॉजी ही है जो आपके काम को काफ़ी ईजी कर देता है। हालांकि इसी टेक्नोलॉजी के युवा आदि हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं ईयरफोन की। इस गैजेट का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सोते जागते खाते पीते ये हर किसी के कान में नज़र आता ही आता है। मेट्रो में लंबा सफ़र करने वाले लोग इसे लगाकर घंटों सफ़र करते हैं। आप अगर मेट्रो में नज़र घुमाएंगे तो दो या चार लोगों को छोड़कर आपको हर व्यक्ति के कान में ईयरफोन तो ज़रूर दिखाई देगा। एक ही ईयरफोन को दो लोग भी शेयर करते दिखते हैं। साफ शब्दों में कहें तो ईयरफोन बेसिक नीड बन चुका है। हालांकि यही आदतें युवाओं पर भारी पड़ रही है। ये बात तो पहले ही एक्सपर्ट बता चुके हैं कि ईयरफोन दिमाग और कान दोनों को बुरी तरह से अफेक्ट करता है, लेकिन हाल ही में हुई एक घटना ने इसे और भी पुख्ता कर दिया है। दरअसल यूपी के गोरखपुर का एक 18 साल का लड़का लंबे समय तक ईयरफोन लगाने के चलते बहरेपन का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि 18 वर्षीय लड़के को कानों में इन्फेक्शन हुआ और सुनने की कैपेसिटी भी चली गई, जिसके बाद पीड़ित लड़के की दो सर्जरी की गई। दो सर्जरी के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ तो पीड़ित दिल्ली पहुंचा और फिर यहाँ डॉक्टरों ने गंभीरता को देखते हुए इम्प्लांट किया। पूरे इलाज के प्रोसेस में लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्च आया। आपको बता दें कि पीड़ित लड़का 8 से 10 घंटे ईयरफोन का इस्तेमाल करता था। इसके अलावा वो अपना ईयरफोन दोस्तों के साथ भी शेयर करता था। वहीं डॉक्टर का कहना है कि ईयरफोन शेयर करने के चलते ही लड़के की कंडीशन ज्यादा खराब हुई। इसकी वजह से कानों में इन्फेक्शन हो गया। जब वो ईयरफोन लगाता था तो कान बंद हो जाते थे। इससे कान के अंदर बैक्टीरिया को बढ़ने में और ज्यादा मदद मिली। शुरू में केवल कान में दर्द होता था, लेकिन बाद में कान से डिस्चार्ज भी होने लगा। डॉक्टर का कहना है कि चाहे आप गाना सुन रहे हो या फिर कॉल पर बात कर रहे हो, 2 से 3 घंटे से ज्यादा ईयरफोन का इस्तेमाल करना सही नहीं है। इससे ज्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको सुनने की कैपेसिटी कम हो सकती है। वहीं ENT एक्सपर्ट ने यह भी बताया कि जब से वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम का चलन हुआ है, तब से टीनेजर्स में कान की समस्या और भी ज्यादा देखने को मिल रही है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर आप ईयरफोन लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो आपके कान में नमी बढ़ जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है। ईयर कैनाल को भी वेंटिलेशन की जरूरत होती है। इसे लंबे समय तक बंद करने से पसीना जमा हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है।